नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। यहाँ हमारे दो हॉस्पिटल है। अकोला में एक हॉस्पिटल ऐसा है कि यहाँ हम 50 बेड की व्यवस्था हमने किया हुआ है और यहाँ हम पेशेंट को रखते हैं रिलेटिव्स के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में हम पेशेंट को रखते हैं। एक्यूट पेशेंट्स जो है वो यहाँ रखे जाते हैं। ये देखो, ये हमारा हॉस्पिटल है। और दूसरा हमारा जो रिहैब सेंटर है, जहाँ हम क्रॉनिक पेशेंट रखते हैं और जहाँ रिलेटिव्स पेशेंट के साथ में रहने को तैयार नहीं है या रह सकते नहीं है, वो दूसरा हॉस्पिटल है। वो संमित्र मानस हॉस्पिटल तथा व्यसन मुक्ति केंद्र है, तो वो हॉस्पिटल हमने तैयार किया हुआ है। तो इसके बारे में हमारे डॉक्टर खरा टेकर के हैं, वो पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। यहाँ के हमारे इंचार्ज डॉक्टर है। तो देखिए, हमारा जो संमित्र मानस व्यसन मुक्ति हॉस्पिटल जो है, यह 200 बेड का हॉस्पिटल है, इसके बारे में जानिए। नमस्ते, मैं डॉक्टर सुनील खराटे। मैं आज आपको हमारा जो मानस हॉस्पिटल है, जहाँ पे हम लोगों को अकेला रखते हैं, जो लोग घर में परेशान हैं, जो पेशेंट को घर में नहीं रख सकते, वो फिर व्यसन मुक्ति के हो, मानसिक आजार मेंटल इलनेस के हो, गांजा व्यसन मुक्ति के हो, या मेंटल रिटार्डेशन के हो, कि जिनको कुछ समझता नहीं, जिनको कुछ भी समझता नहीं, नहाने तक की उनकी खुद का वो खुद नहीं कर सकते, ऐसे पेशेंट भी आप हमारे यहाँ पे रख सकते हो। मैं आपको आज हमारा जो मानस हॉस्पिटल है, सम्मित्र मानस व्यसन मुक्ति केंद्र, वो दिखाने जा रहा हूँ। 3 मंजिली इमारत है हमारी। ये जो इमारत दिख रही है, सब 3 मंजिली इमारत है। यहाँ पे हमने ये सेंटर डाला है ताकि पेशेंट लोगों को अच्छा लगे, गाँव के बाहर शांत वातावरण है। मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ, चलो आइए मेरे साथ में। ये हमारा एंट्रेंस है, यहाँ से पेशेंट एंट्री करते हैं। ये जो लॉक है, ये दो गेट है बड़े, इनको लॉक रहता है। और ये जो दीवार है, दीवार बड़ी है ताकि कोई पेशेंट इसमें से बाहर ना जा सके, इसकी व्यवस्था हमने की है। यहाँ से कोई बाहर नहीं भाग सकता, ये दो गेट है सिर्फ अंदर आने के लिए। यहाँ से अपन अभी अंदर एंट्री करेंगे। तो ये जो दिख रहा है, ये मेन गेट है हमारा। यहाँ से हम पेशेंट को अंदर लाते हैं। पेशेंट अंदर आने के बाद में ये जो दो गेट है सामने वाले, ये जो दो गेट है, ये बंद हो जाते हैं ताकि कोई पेशेंट यहाँ से भाग ना सके, कोई भाग ना सके। और वैसे हमारे यहाँ पे सिक्योरिटी वाला बैठता है, यहाँ पे सिक्योरिटी वाला बैठता है। आइए अभी अंदर, अंदर आइए। तो ये जो दो ग्रिल गेट है, यहाँ पे एक गेट है, ये गेट जब खुलता है, अंदर जब पेशेंट आता है, तो ये गेट बंद हो जाता है। ये बंद होने के बाद में, शेरेकर जी ताला खोलो, ये बंद होने के बाद में ही हम बाहर का गेट, इधर का गेट खोलते हैं ताकि पूरी सिक्योरिटी रहे और कोई पेशेंट यहाँ से भागे ना। अभी अपन अंदर एंट्री करते हैं। यहाँ से हम पेशेंट को अंदर लेते हैं। यह है हमारा पेशेंट का कैंपस है, यहाँ पे सब लोग रहते हैं। जहाँ पे घर पे जब पेशेंट को लाते हैं तो 4-4, 5-5 जन बांध के उनको लाते हैं। घर में रखना उनको परेशान हो जाता है। 7-8 जन पूरी गाड़ी भर के आते हैं हमारे पास में, उनको हाथ पे बांधते हैं, पूरा मुंह पे बांधते हैं। सब लोग गांव में उनको डरते हैं। और वह लोग अभी हमारे कैंपस में आप देख रहे होंगे कि ये हमारा कैंपस है। ये कैंपस में सब लोग कैसे खुशी से रह रहे हैं, सब दोस्त बन के रह रहे हैं। अभी हर आदमी यहाँ पे जो है, उनको किसी को महीना हो गया है, बहुत दिन हो गए, तो अभी जो है इनका मेंटल इलनेस जो है एकदम कम हो गया है। अभी ये जो है देखो, इतना अच्छा गाता है ये, इतनी इसकी आवाज़ इतनी अच्छी है, लेकिन घर पे ये रख नहीं सकते। घर पे रखना इनको बहुत परेशान हो गया था। और ये जब आया तो इनको 4-5 जनों ने बांध के लाया था, लेकिन अभी ये आपके सामने खड़ा है। ऐसे ही ये पेशेंट है, ये हमारी ड्यूटी रूम है। इधर कोई अगर सीरियस पेशेंट रहा तो यहाँ पे हम दिखाते, बिठाते हैं उनको, इलाज करते हैं उनका। ये ड्यूटी रूम है, यहाँ पे एक आदमी कंटिन्यूस मेडिसिन पे रहता है ताकि कोई पेशेंट को कोई गलत दवा ना जाए। इसके लिए हमने एक स्पेशल अपॉइंटमेंट किया है कि हर पेशेंट को दवा जाती है या नहीं जाती है। दवा जब यहाँ पे बांटी जाती है तो एक आदमी हमारा यहाँ पे खड़ा रहता है पानी की बोतल लेके, और एक आदमी मेडिसिन निकाल के देता है। बहुत बार ऐसा होता है कि घर पे जाने के बाद में पेशेंट दवा नहीं लेते और वो पेशेंट बिगड़ जाते हैं। लोग मुझे बोलते हैं कि आपके पास में था तो पेशेंट अच्छा था, लेकिन घर पे जाने के बाद में ऐसा क्या हुआ जिसके कारण पेशेंट फिर से बिगड़ गया है। तो यही कारण रहता है, हम जब दवा देते हैं तो हमारा एक आदमी यहाँ पे खड़ा रहता है, उसने गोली खाई या नहीं खाई या यहाँ पे दबाई, यह हम देखते हैं।
और उसके बाद में कंफर्म होने के बाद में उसको जगह पे लेके जाते हैं। मैं अभी पेशेंट का रूम आपको दिखाता हूँ। ये पेशेंट, दो पेशेंट एक रूम में, तीन पेशेंट है एक रूम में, तीन पेशेंट है। रूम भी अच्छे है, में लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था है, ये यहाँ पे अच्छे रह रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? घर से अकेले है ये लोग, फिर भी इनके चेहरे पे देखिए कितनी रौनक है। आए जिस दिन आप अगर देखते थे तो वो वीडियो मेरे पास में नहीं है, तो मैं दिखाता था आपको एकदम। आज कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, एकदम मस्त लग रहा है, घर के जैसा, घर के जैसा लग रहा है। ये पेशेंट के रिव्यू है, घर के जैसा। ये देखो, ये आपके पीछे जो है ये CRPF में था, एक दिखाओ इनको जरा। ये CRPF में थे, लेकिन व्यसन की वजह से नौकरी छूट गई, और नौकरी छूटने के बाद में व्यसन लग गया दारू का। उसके बाद में थोड़ा सा दिमाग पे, दारू शराब अगर जब रहती है तो शराब के बाद में दिमाग पे असर होता है, और उसके लिए हमारे यहाँ पे इन्होंने लाया है। अभी एकदम अच्छा है, कैसा लग रहा है अभी? एकदम मस्त लग रहा है। देखिए अभी मैं आपको दूसरी रूम दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारे पेशेंट है। तो ये जो पेशेंट है, ये पेशेंट देखो, इनसे बात करोगे कि कैसे रह रहे हैं अभी यहाँ पे। घर पे इनको परेशान थे लोग, घर वाले इनको रखने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन हमारे पास में जब आए तब इनका देखो कि कैसा है। कैसा लग रहा है अभी आपको? अच्छा लग रहा है। मैं बहुत दिनों से हॉस्पिटल में हूँ। मेरे को घर पे मानसिक तनाव आता था, इसलिए मेरे घर वालों ने भर्ती किया। बहुत अच्छा लग रहा है। अब सब व्यसन भी छूट गया, और जब बुराई की वो छोड़ दी, जब अच्छा करूंगा। खाना कैसा है यहाँ पे? खाना अच्छा भाता है। अच्छा है खाना? अच्छा भाता है। अच्छा, आप बोलिए आपको। मैं वही बताने वाला था कि राधिका मैडम, अमोल सर, दीपक, अमोल सर केलकर और अमोल सर, वो बहुत ध्यान रखते हैं सभी लोगों का, और यहाँ पे मेंटेनेंस भी बहुत अच्छा है, खाना भी बढ़िया एक नंबर का मिलता है, घर से भी अच्छा मिलता है, और सोने के लिए भी बहुत अच्छा है, और सब स्पॉश रहता है, क्लीन रहता है, नीट रहता है। सोमवार को भी मीटिंग होती है। मैडम बहुत अच्छे हैं, बहुत ध्यान रखती है, इसलिए मैं आप, और सबसे ज़्यादा बोले तो बहुत खुश हो यहाँ से, घर से भी यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। और हमने यहाँ पे एक काउंसलर भी रखा है। देखिए मैंने अभी आप हमारा हॉस्पिटल दिखाया है, लोगों के रिव्यू क्या है हमारे बारे में वो भी दिखाया है। तो ऐसा अगर पेशेंट आपके पास में है, आपके घर में है, आप उनके साथ में नहीं रह सकते, तो हमारा हॉस्पिटल है, हम आपके पेशेंट की सेवा करेंगे, हम उनकी परवरिश करेंगे, और उनका उनको अच्छा होने के बाद में घर पे लेके जाइए। नमस्कार। तो आपने पूरी हमारे हॉस्पिटल के बारे में जानकारी ले लिया। सो आपको ऐसे कोई भी पेशेंट होगी जो यहाँ रखना आप चाहते हैं, हम घर से भी पेशेंट लोगों को लाते हैं। मतलब आपने इन्फॉर्म किया कि भाई घर से पेशेंट उठा के लेके जाओ, और उनको लाने के लिए आपकी मतलब कोई व्यवस्था नहीं है। पेशेंट बहुत ही साइकोटिक है, बहुत ही वायलेंट है, अग्रेसिव है, मान नहीं रहा है, पकड़ने से भी बहुत मतलब कुछ नहीं हो रहा है, चार चार लोगों को नहीं संभाल रहा है। तो ऐसे वायलेंट पेशेंट जो है उनको भी हम इंजेक्शन देके फिर सुला के लेके आते हैं, हमारी गाड़ी लेकर आएंगे। सो थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। एक एक वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, ताकि लोगों को जानकारी होगी ऐसी व्यवस्था है और लोग उसका लाभ ले सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।